हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना सिंह। मेरे डिलीशियस फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं मूली के पत्ते की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चटनी है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मूली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूली के पत्ते की चटनी बनाने के लिए यहाँ आप देख सकते हो, मैंने एकदम ताज़ा और खेत से लाई हूँ मूली के पत्ते। बहुत ही मुलायम और बहुत ही अच्छे पत्ते हैं। यहाँ आप देख सकते हो मैं मूली ली हूँ, यहाँ पुदीने की कुछ पत्तियाँ हैं फ्रेंड्स, यहाँ धनिया की पत्ती ली हूँ, और यहाँ भुना हुआ जीरा मैं ली हूँ, और एक हाफ नींबू का जो टुकड़ा है मैं ली हूँ, अदरक और ये हरी मिर्च है। और इसकी चटनी फ्रेंड्स बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ग्राइंडर जार ली हूँ जिसमें मुझे चटनी पीसना है। तो मैं सारी पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़े में, जो मूली के पत्ती है उसको हम कट कर लेते हैं। इसी ग्राइंडर जार में मैं कट कर लेती हूँ। और जो मूली के पत्ते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे हैं और एकदम नरम पत्ते हैं, जिससे चटनी बहुत ही अच्छी और बहुत ही हेल्दी बनेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं धनिया की पत्ती ली हूँ, इसकी भी कटिंग कर लेते हैं हम। तो इसको भी हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। पुदीने की पत्ती है जो बहुत छोटी छोटी है, तो इसको हम कट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ जीरा है भुना हुआ, इसको, और फ्रेंड्स मैं 5 हरी मिर्च ली हूँ, इसको इसमें ऐड कर देते हैं। फ्रेंड्स, अदरक के टुकड़े हैं, इसका भी हम कटिंग कर लेते हैं। और ये नींबू है फ्रेंड्स, इसको हम, इसके जूस को हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एक मूली है, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कितनी अच्छी चटनी तैयार हो गई है, अब बहुत ही हेल्दी चटनी है फ्रेंड्स। तो इसको हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ, और मेरी मूली के पत्ते की जो चटनी है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी चटनी तैयार हो गई है फ्रेंड्स। और नींबू का रस डालने से इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। तो अगले रेसिपी के साथ आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स। रेसिपी के साथ आएंगे।